नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम बात करेंगे डेलिया। डेलिया आपने देखा था हमारे कि कितने बढ़िया बड़े बड़े फूल थे, और अब जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये कंडीशन बिल्कुल सूख चुका है। डेलिया बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। अगर हम ऐसा ही रखेंगे तो क्या होगा, अगले साल के लिए हमारे पास ये प्लांट बच नहीं पाएगा, क्योंकि धूप इस बार बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जब पानी पड़ता है तो इसके जो कंद होते हैं, जो इस तरह के कंद होते हैं इसके, ये सड़ जाते हैं। तो इसको हमें प्रिजर्व करना है। अगर अगले साल बढ़िया क्वालिटी का, जो इस बार हमने देखा कि जैन डेलिया है या कलर उसको पसंद हमें आया, अगली बार ज़रूरी नहीं कि मार्केट से वो हमें मिल जाए, तो उसको हमें प्रिजर्व करना है। तो आज इसकी पूरी टेक्निक जानेंगे कि कैसे हमें निकालना है, कैसे रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों ये देखिए, ये डेलिया प्लांट है और ये बिल्कुल सूख चुका है, इसमें कुछ हरा है। हम आमतौर पे क्या करते हैं कि इसी में छोड़ देते हैं कि भाई इसी के अंदर बल्ब हमारे बच जाएंगे। तो मैं आपको बता दूंगा और दिखाऊंगा भी आपको कि ये कैसे बल्ब निकालना है, और क्या हम इस तरह छोड़ के हम गमले में बल्ब बचा सकते हैं। बिल्कुल नहीं बचा सकते। अभी देखिए, तीन पौधा है, ये सूखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी जान है, इसको हम काटते हैं। ये इस तरह से ऊपर से इस तरह से हमने निकाल दिया। अब देखेंगे क्या इसके अंदर बल्ब हमारा सेफ है। देखिए पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या बल्ब सेफ है या नहीं है, ये हम इसमें देखेंगे। ये देखिए, इसका जो है ये सब सड़ चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये देखिए, कुछ भी नहीं बचा इसका, क्योंकि इसके बल्ब जो हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वो बच नहीं पाता है, मर जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको निकालना है इसमें से। मिट्टी में आप छोड़ नहीं सकते इसको, मिट्टी में से निकाल के या तो आप फ्रिज में रखेंगे, वो भी तरीका बताऊंगा कैसे रखेंगे, या फिर आप उसको जो दूसरा मीडियम है उसमें, उस कंप्लीट जानकारी दूंगा मैं। उससे पहले हम दूसरा पौधा देख लें, इसकी भी कटिंग करके ये निकाल देते हैं, जो इसके पत्ते हैं इस तरह से। ये देखिए कुछ हरा है अभी ये, और आमतौर पे हम गलती कहाँ करते हैं कि हम सोचते हैं ठीक है, देखिए इसमें फुटाव आ रहा है, इसके फुटाव के चक्कर में रहते हैं कि देखिए फुटाव आ गया इसके अंदर, कितने सारे फुटाव आ रहे हैं, तो ये जो है हमारा सही होगा। लेकिन क्या होगा कि ऊपर तो फुटाव आ रहा होगा, नीचे से इसका कंद जो है, जो ताकत देता है, वो गलता हुआ चला जाएगा, ख़राब होता चला जाएगा अगर हम इसमें इसको रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता कि इनके बल्ब को निकाल लेना चाहिए, और निकाल के प्रिजर्व करना है, उसका पूरा तरीका हम जानेंगे। ये देखिए आपके सामने मैं निकाल रहा हूँ, देखते हैं क्या कंडीशन है अभी अंदर इसकी। बड़े तरीके से निकालना है, क्योंकि क्या होगा कि अगर ज़्यादा इधर उधर करेंगे और कट लग गया इसके अंदर, बल्ब के अंदर कट लग गया, तो जैसे मैंने बताया बहुत ही डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, तो ये बच नहीं पाता है। तो इसीलिए हमें बड़े तरीके से, सलीके से निकालना है, मिट्टी को खाली करना है और देखना है। ये देखिए अब इसमें से ये इसके कंद दिखाई देने लगे, जो कि सही सलामत बिल्कुल फिट हैं। ये देखिए इसके कंद काफ़ी अच्छे मोटे हैं, तो इसको हम बड़ी सावधानी पूर्वक इसको निकालने वाले हैं। तरीका देख लें कि किस तरह से निकालना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना, इसको करेंगे तब भी ये टूट जाएगा। तो पहले इसको मिट्टी को हल्का कर लिया हमने, इसके बाद धीरे 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 धीरे, बहुत सख्त मिट्टी हो तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये देखिए इस तरह के पतले पतले भी होते हैं, और इस तरह का कंद जो है ये निकल गया। तो इसको हमें जो है अब प्रिजर्व कर लेना है। इसको प्रिजर्व कैसे करना है, ये देखिए कई बार अलग अलग भी होता है, कई बार एक साथ भी हैं ये। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए देखिए कि हमें इसको सबसे पहले धो लेना है, धो करके और फिर हमें क्या करना है कि इसको फंगीसाइड में डिप कर लेना। फंगीसाइड जैसे साफ है, ट्राइकोडर्मा है, उसका एक चम्मच एक लीटर पानी में घोल के रखेंगे, उसमें डिप करके इसको सुखा लेंगे हल्का एक आध घंटा, और इसको फिर या तो फ्रिज में रखिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको आप सैंड में यानी कि रेत में रख सकते हैं। रेत में डाल के इसको रख देंगे, ऊपर का पोर्शन आप चाहें तो यहाँ से ये कट कर सकते हैं, या नहीं कट करेंगे तब भी इसमें रेत में डाल के ऐसे छाए वाली जगह पे, धूप नहीं लगना चाहिए, ऐसी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। अब इस तरह के बल्ब जो हैं हमारे, वो निकालेंगे हम और निकाल करके रखेंगे। जिन लोगों को चाहिए हो जैन डेलिया के बल्ब, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं,
ये बल्ब हम अभी एक महीना देंगे, इसके बाद हम बंद कर देंगे। कहने का मतलब मई का महीना जो है पूरा हम बल्ब दे देंगे, जितनी हमारे पास क्वांटिटी हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 200-300 बल्ब होंगे तो वही हम दे पाएंगे, ताकि आप लोगों तक भी ये बढ़िया पौधा जो है पहुँच जाए। तीसरा गमला है, एक तो हमारा ख़त्म ही हो गया, दूसरे में हमारा अच्छा निकला था, और तीसरा और देखते हैं इसमें। आपने हमारे डेलिया को देखा ही हुआ है कि कितना बड़ा होता है, तो इस तरह से मिट्टी लूज़ करें, इसके बाद इसको निकालने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये कंद जो है टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपने निकालना है। ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, और है भी बड़ा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये देखिए काफ़ी मोटा कंद जो है इसमें बना हुआ है, ये देखिए। पूरी शकरकंदी का शेप ले लिया है इसने, जैसे शकरकंदी होती है आप देखते हैं, इस तरह शकरकंदी का शेप लिया हुआ है। काफ़ी हेल्दी बल्ब है ये, लेकिन यही देखिए कि अगर हम ना निकालते टाइम से तो ये जो है ख़त्म हो जाना था, इसी के अंदर ये सड़ जाता, ख़त्म हो जाता, मिट्टी बन जाती इसकी। तो अगले साल के लिए हमें जो हमारा मन चाहा डेलिया है वो हमें नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम इसको रखने की वो करते हैं। देखिए अब यहाँ से भी इसमें फुटाव आ रहा है, अगर इसको सैंड में डालेंगे, सैंड में डालने से पहले आपको ये जो है ना, ये पतली ब्रांचेज इसकी जो रूट्स हैं, इसको आपने ट्रिम कर देना है, क्योंकि ये जंगल सा ना रहे, इसकी ट्रिमिंग कर देनी है आपने, ये देखिए। और ट्रिमिंग जहाँ करेंगे, जहाँ से कट लगाया आपने, वहाँ पे हल्दी का या ट्राइकोडर्मा का जो घोल है वो आप लगा दें, ताकि आपका, या डिप करेंगे तो उससे भी आपका एंटी फंगल हो जाएगा ये। और ये देखिए किस तरह से हमारे ये इस तरह से बल्ब्स निकलते हैं इसके। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आप अपने पौधे को बचा करके अपने घर को फिर आने वाले जो सितंबर अक्टूबर से है, इन्हीं पौधों से नया पौधा तैयार करेंगे और अपने घर को खूबसूरत बनाएंगे। तो गार्डनिंग करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।